इंदिरा, मैं आज तक तुम पर बहुत चीखा चिल्लाया, गधे की तरह काम करवाया, तुम मुझसे नाराज तो नहीं हो ना? कैसी बातें कर रहे हैं सर, आप तो मेरे बड़े भाई हैं, और वैसे भी अगर मुर्गी चूजे को लात मार दे तो चूजा नाराज थोड़े ही होता है। तुम खड़े क्यों, बैठो ना। अरे नीचे नहीं ऊपर बैठो। नहीं नहीं सर, आपके साथ बैठूं इतनी मेरी मजाल नहीं है। तुम्हारे लिए पैक बनाऊं? नहीं नहीं साहब, आपके साथ बैठकर पीने की मेरी औकात नहीं है। अरे छोड़ो यार, पीने में जात और औकात थोड़ी देखी जाती है। ये ला। नहीं यार, आपकी इज्जत की खातिर पी रहा हूं। एक बार बताओ मिंदर, तुम पढ़े लिखे हो, मेहनती हो, फिर ये जिल्लत भरी गुलामी करके अपनी जिंदगी की मिट्टी पलीद क्यों कर रहे हो? तो क्या करूं, बंदूक लेकर चंबल का डाकू बन जाऊं क्या? मैं मतलब चंबल का डाकू बन जाऊं क्या सरकार? एक काम कर सकते हो जी, कोई काम कर सकते हो, धंधा कर सकते हो, पैसे नहीं है तो मैं देता हूँ, ये लो। नहीं नहीं सर, लो यार, मुझे नहीं चाहिए। रखो लो। अब एक बात बताओ मित्रा, ये जो लड़की अभी आई थी, ये सब रख के गई है, ये कैसी है? लड़की जैसी है। अरे वो तो मुझे ही मालूम है यार, मतलब है कि तुम समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। जालिम सिंह से पूछकर बताऊंगा। जालिम सिंह कौन? इस कामवाली का मर्द है। मर्द? कुछ दिन पहले एक दूसरे आदमी ने भी इससे ही पूछा था, तो जालिम सिंह ने उसके हाथ पांव काट दिए थे। आजकल जेल में है, 28 तारीख को छूट कर आ रहा है। आज क्या तारीख है? 26, परसों। तो मिलिट्री, चल एक सिगरेट दे। मिलिट्री सिगरेट देना। अरे जल्दी काट। जलाएगा कौन तेरा बाप? अरे तो तू क्या कह रहा था उस काम वाली लड़की के बारे में कि तू उसके साथ क्या करना चाहता है? नहीं नहीं नहीं, वो ऐसे नहीं, तू कुछ बोला था ना? अरे नहीं भाई, बोल रहा ना, मुंह से निकल गया यार, जानते ना बाद में दम नहीं है। चल शराब डालो। और एक मिनट, तू ज्यादा मत पी, तेरे हो गई है। मैं क्या तेरा नौकर हूँ? जब तू कहेगा पीना शुरू कर दूं और जब तू कहेगा मैं बंद करना शुरू कर दूं। देख तू बदतमीजी करने लगा है। अरे बदतमीजी मैं कर रहा हूँ या तू कर रहा है? पहले तू आके मुझे कहता है कि गांव की छोकरी के साथ मेरा काम करवा, और उसके बाद तू कहता है कि गांव वालों के साथ लड़कियों के साथ कुछ करना चाहता है। हाँ ये तुम लोग जो इस तरह के लोगों के साथ कभी कभी मत लाना ख्याल दिल में, कभी ना। अरे बाप रे बाप, ये घर है, ये महल है, 10-12 टेबल्स लगाए तो अच्छा बार बन सकता है। आदमी अगर सुबह को गुम हो जावे तो शाम तक ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। भांजे क्या जगह देख के सेट हुआ है? अरे आहिस्ता बोलना मामा, सारे गुड़ का गोबर खड़ा लेगा क्या? अच्छा अभी देख सूट भी पहन के आयला, जरा स्टाइल में रहना, कारपेट खराब मत करना। नहीं नहीं नहीं। हाँ क्या? तू देख लेना, मैं ऐसे बोल बच्चन दूंगा कि इस बंगले का मालिक तेरे मामा के सामने खुद को नौकर समझेगा। लेकिन लिमिट पकड़ के ना, बॉर्डर संभाल के। लिमिट में अंदरल अंदरल। हां बुलाना जा ले लाओ। हां बुला, मुंह ठीक से बोल ले। हां बुला ले लाओ। बुलाना अभी कहीं। अरे अंकल जी, अंकल जी तुम्हें क्या छो? गुजराती बोल रहे हो। इसमें से अंकल कौन है? लाल शर्ट वाले, लाल वाला ये। आप कौन साहब है? अंकल जी ये ना मेरे मामा जी है, पी के गिर पड़े। कहाँ गिर पड़े? नहीं बोले तो गिर पड़े, इनका सरने में हो। ओ, काफी लड़खड़ा था सरने में। नमस्ते। नमस्ते से नहीं चलेगा, तो गले भी रो। ओ एले एले, क्या लूं? एले मैं आपको नहीं, मैं इसे बोल रहा हूँ। अच्छा। आदाब।
कोणाला दाबू? नहीं नहीं दाबू नहीं, इनका मतलब है खजाने दीजिए, रहने दो ना उर्दू यार। बेटे तुमने इनका आने का बताया नहीं, ऐसे ही आगे बेचारे। अंकल जी मेरे मामा जी का है ना ऐसे ही छे, बोले तो हर इंटरनेशनल फ्लाइट में ना इनकी एक टिकट बुक कच रही थी। हर फ्लाइट में आपका वो भी तो है ना, क्या कहते हैं कैटरिंग का है ना, कैंटीन है ना, कैंटीन है हमारा। हा? हर एक रेलवे स्टेशन पे एक एक कैंटीन है हमारा। हाँ फॉरिन में है, यहाँ नहीं है। तशरीफ रखिए ना। क्या रखूं? अरे बसायला बोलता है मामा। अरे बैठने को बोल रहे हैं मामा जी। जी सर। कड़क है। इतना भी नहीं है, चुप करो। तो हिंदुस्तान कैसे आना हुआ? ताजमहल का कॉन्ट्रैक्ट लिया था। ताजमहल होटल का? नहीं नहीं, वो आगरे का ताजमहल। उसका कैसे कॉन्ट्रैक्ट? साफ सफाई का। 2 महीने पहले लाल किला और कुतुब मीनार साफ सफाई किया था, गंदा हो गया था ना। उसका भी कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है? एकदम। 6 महीने पहले आईफेल टावर का गंज साफ किया था। गंज? लोखंड का है? नहीं, वो जंग की बात कर रहे हैं। अच्छा अच्छा, जंग 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 नहीं जंग। कुछ दिन पहले इसका भी टेंडर भरा था। उसका नहीं, उसका नहीं, वो अमेरिका में क्या है, वो हाथ में मशाल लेके खड़ा है, वो समंदर में खड़ा है, वो क्या है? हां वो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी। लिबर्टी लिबर्टी? अरे स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी वही तो बोल रहे हैं ना मामा जी, समझते नहीं हो। वही वो 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 बोल रहे हो ना। बोले तो वर्ल्ड की जितनी क्लासिक चीज है ना जगह, उनका सबका मेंटेनेंस का है ना, बोले तो हमारे मामा जी के हाथ में है। मैं मतलब साफ सफाई के काम में आप काफी माहिर हैं। बोले तो धंधा ही वो है ना। धंधा वही चाहिए ना। तो घोरपड़े साहब? घोरपड़े गिर पड़े है ना। गिर पड़े जी, गिर पड़े साहब। आपके भांजे ने दिल जीत लिया हमारा। आदमी जैसा है ना, 15 मिनट अगर किसी के बाजू में बैठे ना तो उस आदमी को कंगाल कर देता है। कंगाल? दिल जीत देता है ना उसका। बॉडी में से अगर दिल निकाल दिया तो आदमी कंगाल हो जाए। जेब में से अगर पॉकेट निकाल दिया तो आदमी कंगाल हो जाए। पॉकेट नहीं, बोले तो दुर्गा जी की बात कर रहा हूँ। दुर्गा जी आ गई। आओ बेटी, ये राजू के मामा जी हैं। नमस्ते। नमस्ते। अरे इसकी क्या जरूरत है बेटी, इसकी जरूरत नहीं है, जीती रहो। वो देखो सोने की चिड़िया। भगवान तुम्हें सुखी रखे। ये ले ये ले ये ले ये ले। मरवाएगा ये ले। मैं इससे बोल रहा हूँ। अच्छा। यही है ना तेरी? हाँ। कैसा लगा ये हमारा नालायक नंबर वन? मामा ऐसा ना बोला जामाला। ये नालायक नहीं है, लाखों में एक है। अच्छा, वैसे आप सफर से आके काफी थक, आपका सामान कहाँ है? वो मैंने पहले गेस्ट हाउस में रख दिया था ना। अच्छा अच्छा, फिर आप आराम कीजिए, रात को खाने पे मुलाकात होती है। हाँ मिलते हैं। बिल्कुल। आओ आओ मामा। हाँ बाहर 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 नहीं, देवड़ा किंग बाहर। बड़े अच्छे लोग हैं। मामा जी ने तो आपको पास कर दिया। हुजूर अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि आपकी एक बेटी का रिश्ता तो तय हो गया। फिदा साहब, भगवान ने चाहा तो मेरी चारों बेटियों की डोलियां एक साथ उठेंगी। चारों बेटियों की डोलियां एक साथ? हुजूर ये कैसे मुमकिन है? जो मैं देख रहा हूं शायद आप वो नहीं देख रहे हैं। मुझे भी दिखाइए ना। दिखा तो नहीं सकता, हाँ सुना जरूर सकता हूँ। वो शेर सुना है? इरशाद। कश्तियां सबके किनारे लग ही जाती हैं, ना खुदा जिनका नहीं उनका खुदा होता है। अरे ओ मामा, हे लगला मिट मिट माले मामा। ये लाल बाग परेल घाट को पर दादर। अरे बंद करो म्यूजिक यार, नहीं सुना तेरा बहरा हो गया। ए देख काय को बन गया है, तेरे को मालूम नहीं है क्या मैं म्यूजिक लवर हूँ? अरे मामा तू ये क्या सुन रहे लाल, मैं तेरे को जगह पे लेकर चलता हूँ ना। कहाँ रे कहाँ? इन लोगों ने, इन लोगों ने, इन लोगों को लेकर चलता हूँ। सच्ची? अरे सच्ची? अरे बहुत दिनों में मैंने मुजरा ही नहीं देखा। दिखाता हूँ ना मैं। औकात नहीं है खरीदने को गजरा, चले है मुजरा। होकर के मिल रहे तो पीते रहो गबा गप गप। चुप बैठ, मैं तेरी थोड़ी ना पी रहा हूँ। नहीं नहीं बात कर रहे है, मैं राजा की पी रहा हूँ। बात कर रहे हैं राजा की? बाप की फैक्ट्री है? अरे तू बाप का नाम क्या लेता है, तेरी जात का? मामा से बात कर रहा हूँ ना यार मैं। अरे नहीं है तो हो जाएगी। अरबपति आदमी का दामाद होने वाला है क्या? मारा है मामा? क्या जगह देख कर घुस गए? अभी घुस के मत दिखाना, बस करना यार। ऐश कर बेटा ऐश कर, महलों में रहता है तू। लेकिन महल में रहते रहते झोपड़े वालों को भूल नहीं जाना, भूल नहीं जाना। क्या बात करता है? अरे इस दुनिया में ऊपर वाला इंसान को पैदा करके भूल सकता है, लेकिन राजा अपने मामा को कभी नहीं भूल सकता। इन हाथों ने
कचरे के डब्बे से उठाकर सीने से लगाया मुझे। इन कांधों ने झुलाया मुझे, अपनी गोद का बिस्तर और ममता की चादर बनाकर सुलाया मुझे। दुख दर्द गम खुशी हर सुख दुख में मेरे सर पर छत बनकर हमेशा रहे हो तुम यार। तुमको कैसे भूल सकता है राजा, कैसे भूल सकता है राजा। ये इमोशनल सीन खत्म हुआ तो कुछ फ्यूचर प्लानिंग की बातें सोचें हम लोग मामा। शाम को सेठ जी के साथ बैठ के डिनर लेना और राजा की शादी की तारीख पक्की कर लेना, ताकि दहेज के 5 करोड़ लेकर हमें इनके साथ हनीमून चले जाएं। समझे? क्या 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 बोला तू? 5 करोड़। 5 करोड़। अरे भाई खाना लग चुका है, इंतजार किस बात का है, शुरू कीजिए। आई शपथ, इतना अच्छा खाना और इतना सारा खाना मैंने एक साथ एक टेबल पर कभी नहीं देखा था। आई शपथ बोलता हूँ आज मैं जी भर के हड़चूंगा। अरे डॉक्टर ने मना किया था ने कि नॉन वेज नहीं खाने का, ना तिक्का नहीं खाने का, ना मिठा नहीं खाने का, ना नमकीन तो चखने का ही नहीं। 5 साल की उम्र से बीमारी है, ना 50 तो बीमारी है इनको, इसीलिए बोल रहे हैं कि आज तक टेबल पे इतना सारा खाना एक साथ देखा नहीं। क्या बीमारी है मेरे को? एक्चुअली देखा जाए तो सबसे बड़ी बीमारी है ना इनको बात ना मानने की बीमारी। पैसे तो बहुत है भगवान की दया से, पर क्या के डॉलर थोड़ी खा सकते हैं। इनके नौकर तक के ना घर में चिकन मटन खाते हैं, पर ये है कि सूप पे जिंदा है। वो भी चिकन सूप भी नहीं है, वो सारा सूप दो सूप। वो वेजिटेरियन दो ने उनको। गिरबड़े साहब आपके बारे में जान के बड़ा दुख हुआ, मगर क्या करें, जाने तो जाने। मेरे लिए तो जीते जी शमशान है। अरे ऐसा नहीं बोलो ने, जो दिया है ऊपर वाले ने उसमें मैनेज करो ने, बिल्कुल ठीक से मैनेज करो। मैनेज करूं? हाँ मैनेज करो। आप भी है ना मामा जी, आप बहुत गड़बड़ करते हैं। हो ज्यादा लेके इज्जत मत खराब कर मामा। क्या सूप है? गिरबड़े साहब आपको यहाँ कोई तकलीफ तो नहीं है ना? क्या तकलीफ की क्या बात है? अरे जिंदगी में मैं पहली बार एसी में गद्दे पे सोया हूँ, रेशम की कंबल ओढ़ के। पहली बार? नहीं वो पहली बार का ऐसा है ना कि डॉक्टर ने इनको एसी में सोने के लिए मना किया है। अच्छा अच्छा। अने पची वो गधे लेकर तो सवाल ही नहीं उठता ना। क्यों? बोले तो इनको स्लीप डिस्क है ना। स्लीप डिस्क? मेरे को स्लीप डिस्क है? अब दिल और गुर्दा तो पहले से बदलवा चुके हैं, अब रीढ़ की हड्डी थोड़ी ना बदलती। दिलो गुर्दे बदलवा चुके हैं इनके? हाँ, इसीलिए अभी तक इन्होंने शादी नहीं की। अब तो कुछ बदलने के लायक भी नहीं, अगर कुछ हो गया ना तो सीधा स्क्रैप में, पोस्टमार्टम की जरूरत भी नहीं। मामा इतना काफी है कि थोड़ा और दे, वे जहर दे, थोड़ा जहर दे। अरे नहीं साहब ऐसा क्यों बोलते हैं, चलिए हम आपको रात को घुमा के लाते हैं। नहीं 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 नहीं, क्या है रात को हमारा पहले से एक प्रोग्राम फिक्स्ड है। रात को ये मुझे एक भाई जी के पास लेके जाने वाला है। भाई जी? नहीं वो हीरा देवी भाई है ने, हीरा देवी भाई है ना, वो भजन बहुत अच्छा गाती है ना। तो ये जो रात से भजन सुनना शुरू करते हैं ना तो सवेरे ब्रह्म मुहूर्त तक सुनते रहते हो। तो भजन सुने तो फिर मैं भी चलूंगा। नहीं आपसे इतनी पूजा होएगी नहीं इनके जितनी, नहीं हो ही नहीं सकती। मामा इधर उधर की बातें मत कर, राजू की शादी की बात कर बुढ़ा मूड में। समझी जी, एक बात तो पूछना भूल ही गया, इन दोनों के शादी के बारे में क्या सोचा है आपने? ए, इनको क्या हो गया? कुछ नहीं, जब इनकी शादी की बात चलती है ऐसे ही करती है। अब आप ही बताइए ऐसी लड़कियों से कौन शादी करेगा? क्या बात कर रहे हैं आप सेठ जी, इतनी सुंदर सुशील प्यारी बच्चियों, इनसे कौन शादी नहीं करेगा? अरे साहब आप मेरी हालत समझते नहीं है, ये तो भगवान का शुक्र है कि राजू और दुर्गा की तरफ से मेरी परेशानी खत्म हो गई है। तो इन दोनों की शादी से आप बोनी क्यों नहीं करते? बाकी की तीनों को बाद में टेबल पे बिठा देंगे, लगन मंडप में बिठा देंगे। नहीं साहब, होगी तो मेरी चारों बेटियों की शादियां साथ में होंगी, पर नहीं की भी नहीं होगी। ये क्या शर्त हुई सेठ जी? शर्त नहीं है, मेरी मजबूरी है। मेरे खानदानी पंडित ने चारों बेटियों की कुंडलियां देखकर बतलाया था कि अगर चारों की शादियां साथ में होंगी तो इनका घर बस पाएगा, इनकी जिंदगी में सुख आएगा वरना नहीं आएगा। मतलब आप सिर्फ दुर्गा की शादी कर ही नहीं सकते हो? चारों के साथ में होंगी तो मुमकिन है, और इसी शर्त पे मैंने हर दामाद को 5-5 करोड़ देने का वादा किया है। आप चिंता मत करिए सेठ जी, समझ लीजिए कि आपकी तकलीफ का ये आखिरी डिनर था, इसके बाद हर डिश स्वीट डिश होगी।
अब शादी होगी तो आपकी चारों बेटियों की शादी एक साथ होगी, वरना इसकी शादी भी कैंसिल। ये मेरा वादा रहा। सर कहाँ है? ये रहा। चादर ओढ़े कटे हुए ताड़ की तरह क्या पड़े हुए हो? कुछ हया शर्म है कि नहीं कि उसे भी बेचकर खाए आए हो? बच्चा बेचारा अकेला स्कूल जाने के लिए तैयार हो रहा है और तुम खर्राटे का बैंड बजाए औंधे पड़े हुए हो। अरे अपने आप को बाप कहते हो, बाप ऐसा होता है क्या? मैंने तो जितने बाप देखे सब ऐसे ही होते हैं। तुम्हारा बाप क्या अलग डिजाइन का है क्या? खामोश! मेरे साथ जबान लड़ाई ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हाँ खैर बात है, तुमसे बुरा कोई हो भी कैसे सकता है? क्या? नहीं नहीं कुछ नहीं, मेरे मन के ख्यालात की कुछ डकार थी वो निकल गई। तुमको कुछ भी नहीं बोला मैंने। चलो चलो जल्दी उठो, बबलू बेचारा नहीं तो भूखा स्कूल चला जाएगा। सुनो, अगर भाभी ने नाश्ता नहीं बनाया होगा तो तुम खुद बना लेना। सुनो, मेरे लिए भी नाश्ता लेते आना। अरे सुनो तो, पूछो तो सही क्या लाना है। एक डबल ऑमलेट, 8 टोस्ट बटर, एक बोर्नविटा का ग्लास और गाजर का हलवा, समझ गए? अब क्या हुआ? नहीं मैं सोचा तुम फिर बोलोगे अरे सुना तो मैं एडवांस में खुद ही चला है। अब जाओ ना, जाके कुछ काम भी करो, ससुराल में बैठे मुफ्त की रोटियां तोड़ते रहते हो। अरे कुछ हाथ पैर भी हिला लिया करो। इतने ढीले कपड़े में हाथ पैर हिलाऊंगा तो देखेगा किसको? ये तुम्हारी माँ के मरे हुए बाप के कपड़े हैं, कोई नए तो दिला दो सही। अरे लायक तो बनो इसके, सुबह सुबह दिमाग चाट लेता है मेरा। भाई साहब जरा एक मिनट इधर आएंगे। ये बोलती है मैं इसका दिमाग चाट रहा हूँ, इसका दिमाग शैतान नहीं चाट सकता, मैं क्या चाटूंगा? एक मरता शैतान ने इसका दिमाग चाटा था तो उसको उल्टी हो गई थी। ईमान से बस, मैं बाद में मिलूंगा। अरे क्या मुसीबत है यार, मालूम नहीं मेरे को भगवान ने कौन सी मिट्टी का बनाया है। शादी करने के बाद बीवी की नौकरी कर रहा हूं और मरने के बाद ये मेरा मरा हुआ बाप तस्वीर में से बोलता रहता है। क्या है बीवी के सामने तुम हिलाने वाले, कहां जा रहा है? बावर्ची खाने में खाना बनाने चलता है। लानत है, सारी जिंदगी यही करता रहेगा। अबे चुप रहना यार, कभी उसने सुन लिया तो मेरे घर से बाहर निकाल देगी और तेरी तस्वीर को उठा कैसे बाहर फेंक देगी जिसे फटी हुई किताब होती है। उसके बाप का राज है, मैं भी तेरा बाप हूँ। अरे अंदर क्या कर रहा है, बाहर क्यों नहीं निकलता? चुप। क्या मुसीबत है यार, इसको मरने के बाद भी चैन नहीं है, अभी आना नहीं दोबारा। पुलिस के लफड़े में फंसा दिया। फुकी भाई एक तो बात बोलेगा बुरा नहीं मानेगा। देख बे आज मैं बहुत सड़ के आया हूँ, तू सड़ाएगा तो मैं तेरा थोड़ा सड़ा डालूंगा, तू मेरी तारीफ भी करेगा तो मेरा खराब लगेगा। चल बैठ, अंदर नहीं जाने का। तेरे बाप का राज है क्या? अरे मैडम ने मना किया है। मेरे को? हाँ, उसको कोई मिलने को आया है। कौन मिलने को आया है? चड्डी आया है। अबे चड्डी में कौन आया? अरे चड्डी में एक बहुत हैंडसम आदमी आया है। तुम समझते क्यों नहीं, मैं ये नहीं कर सकती। आपको करना पड़ेगा मैम साहब। ए हम लोग बहुत शराफत के रस्ते से चल के यहाँ तक आए ले, तू क्या करने कराने की बात कर रहे ला? चक्कर क्या है? ये वही है पैन नंबर वन। चले चल बाहर निकल, चल चल गल। अरे जब तक मैं जिंदा हूँ मेम साहब को कोई उंगली तक नहीं लगा सकता है, मालूम? तुम्हारे मरने के बाद तो लगा सकता है ना। एक नड्डा नहीं पकड़ने का, ये मेम साहब बोलो ना उसको नड्डा छोड़ने को। छोड़ो छोड़ो इनको, मैं तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगी। ओके ऑलराइट, पुलिस मेरे को मारेगी, मैं जबान खोलेगा सबसे पहले तुम फंसेगी, लेकिन तुमसे भी पहले मैं इसको फंसाएगा। मेरे को क्या को फंसेगा भाई? इसलिए कि तुम्हारे वजह से मेम साहब भड़की ना मेरे पे। एक तू तेरा टेम्पर थोड़ा लूज कर, तू सोच के तू क्या करने को जा रहे ला यार, दादी को मारना चाहता है? अरे दादी मतलब बाप की माँ, उसको कोई मारता है? अरे जानमी तू मरेगा तो तेरे को जानम के ग्राउंड फ्लोर पे भी एडमिशन नहीं मिलेगा कम वक्त। अच्छा तेरे को जो मांगता है तू कर रहे है यार, तेरे को तेरी दादी को टपकाने का ना तो आइडिया मैं बताता हूँ ना यार। सही जगह आया है,
अपना नाम मुन्ना अटेला है। अच्छे के साथ बुरा नहीं किया, बुरे के साथ अच्छा नहीं किया। 99 मर्डर किया है, सौवा 13 करेगा। क्या मतलब? तू जिसका बोलेगा उसका। कुकी भाई, अटेला भाई को सेंचुरी मारने को बोलो ना। अभी बोल किसका मर्डर करने का है, कहाँ मिलेगा? भाजी मार्केट, रोज शाम को उधर भाजी लेने को आती है। औरत है ना, एकदम बुड्ढी, आधी मरेली आधी तुम्हारी गोली से लुढ़क जाएंगी। दादी। दादी मतलब बाप की माँ। ये क्या समझता है तू अंडरवर्ल्ड वाले को? हम लोग पैसा लेके किसी का भी जान ले लेगा। अरे अपना दादी नहीं है इसीलिए अपन दादा बन गया। अभी बोल तू किसकी दादी को मरवाएगा रे तू? अभी क्या बोलूं, मेरे को तो शर्म आ रही है। पकिया ले जा इसको अंदर। चल। मेरे को क्या को भाई, मेरे को किधर लेके जा रहे ले? तू कौन? पता बताने के लिए आया था। पता होता इतना गंदा आदमी है तो पता ही नहीं बताता था। क्या खराब जमाना आ गया अपनी दादी। फिर भी देखना बुजुर्ग आदमी है, जरा हैंडल विद केयर। आता हूँ। कोई रोकना नहीं रे इसको, जान दो। एक तो बात बोलेगा बुरा नहीं मानने का। आज आप हमको हॉरर शो का हीरो लगता है। किसी ने आपको मोर मोर के बैगन का भुर्ता बना दिया है। कोई पहलवान का बहन को छेड़ा तो नहीं तुमने? अरे तेरी बहन को तेरा बहनो ही ले जाए। अबे मैंने कभी अपनी घरवाली को नहीं छेड़ा, तू साले मेरे जख्मों के तार को सितार के तार की तरह छेड़ डाला भूतनी के। कुकी भाई, ये आपको क्या हो गया? एक मिनट, अबे ओ प्लेग के चूहे, उधर जाके सड़ बहुत बास मार रहे ला साला। कुकी भाई, ये सब कैसे हो गया? अरे कुछ नहीं माँ, वो भाई लोग थोड़ा इमोशनल हो गए थे। वो कादर भाई ने, रजाक भाई ने, मुन्ना भाई, वो जितने भी भाई थे, वो मेरे को बिरयानी का थाल समझ के मेरे ऊपर टूट पड़े। दे दनादन क्रिकेट के शॉट मारने को चालू किया। 2 मिनट में 200 रन बना डाले। वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ डाला वो लोगों ने आज। आप तो यहाँ सो गए, अब इस फैन नंबर 1 से मुझे कौन बचाएगा? अब उसकी चिंता मत करो, उसका भी मैंने प्लान सोच लिए। क्या? ए डॉक्टर साहब, मेरे को डिस्चार्ज कर दो ना, मैं शहर से भाग जाना चाहता हूँ। क्यों मेरे से बच के भाग जाना चाहता है? तू यहाँ भी आ गया? कुकी भाई, सपना जी किधर है? नहीं बताऊंगा। ये तो बहुत गलत बात है कुकी भाई। चला मैं जो हूँ आपके सामने दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे लाऊं, तो आप तो मेरा हाथ ही झटक रहे हो। चला मैं प्यार में 4 कदम आगे बढ़ रहे लाऊं, तो आप तो अपना कदम ही पीछे ले रहे हो। ये राज जल्दी बता दो ना, सपना किधर है? अपने दिल में कुछ रखो मत ने कुकी भाई। ए नहीं 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 कुकी भाई, ऐसा अपना मुंह मत मोड़ो ने। ए बता दो ने कुकी भाई। अभी तो बिल्कुल नहीं बताऊंगा। काय को? मेरे सब हिस्से तो तोड़ डाला तूने। नहीं नहीं, अभी जबान बाकी है ने। जबान की मजाक नहीं करना। अच्छा चलो छोड़ देता हूँ। ए थोड़ा उठेंगा क्या? थोड़ा एक घर लेके जाता है। नहीं ए, ए किधर लेके जा रहे हैं यारे? नहीं जाती दूर नहीं ले जाऊंगा, ये देखो। अरे क्या, पहले दर्द दिया अभी दवा दे रहे ला यार? नहीं मैं दवा नहीं दे रहे लाऊं, थोड़ा सा पाउडर डाल रहे लाऊं। काय का पाउडर है? वो थोड़ा सा खुजली का पाउडर है। खुजली का पाउडर? अच्छा जल्दी से बता किधर गए लिए सपना जी आउटडोर में? थोड़ा खुजा। नहीं तू पहले बता ने, नहीं तू बता ने, नहीं तू पहले बता ने, तू पहले बता ने, तू पहले बता ने।
अरे आउटडोर शूटिंग पे गई ली है यार। कौन सी आउटडोर पे गई ली है? अरे रानी खेत गई ली है, अभी खुजा खुजा ना। इसका नाम अमावस है। पुकार का नाम है हाकिम। हमारा जन्म अमावस की रात को हुआ था, इसलिए असल में हमारा नाम विजय बहादुर कुंवर है। हम सूर्य वंश के राज घराने से ताल्लुक रखते हैं। सूर्य वंश रामनगर जी। हमारा राज चला गया, इसलिए हम ऐसी हालत में रहते हैं, वरना हमारी रिश्तेदारी बड़े बड़े राज घरानों में है। एक जमाना था साहब, एक जमाना था जब बड़े बड़े मंत्रियों की भीड़ हमारे द्वारे पर लगी रहती, और आज हम मंत्री बनने यहाँ आए हैं। हमको देख के हाथ हिला रहे, तुम ऐसा क्या कर रहे हैं? हाथ बांध के खड़ा, साला कोई देखेगा तो जमानत जब्त हो जाएगी। अरे जो लोग दिन में खाली हाथ वोट मांगते हैं वो यहाँ किस लिए आए हैं? उनका जीतने का कोई चांस नहीं है। अरे वोट तो रात को मिलते हैं, हाँ लेन देन के साथ, जो हमारी तरह मांगते हैं। अमावस कहिए। एक बार एक ग्राहक ने एक नाई से पूछा कि जरा गिनना तो हमारे सर में कितने बाल हैं। उसने कहा साहब गिनने की क्या जरूरत है, अभी थोड़ी देर में कट के सारे बाल सामने गिरने वाले हैं। तो वोटों की गिनती तो शुरू हो ही गई है जी। थोड़ी देर में पता चल जाएगा कि कितने तीर रात में इन्होंने गोबर में मारे हैं। तुम शायद यहाँ अपनी जमानत वापस लेने आए हो। अरे हम दी हुई चीज वापस नहीं लेते। अगर हमार जमानत वापस हो गई तो आपको दे दूंगा, ताकि आप अपने गम भुला सके कि आपकी जमानत जब्त हो गई। अरे वाह, बस हमारे साथ रहते रहते तुझको भी बोलना आ गया। टेंशन हो रहा है। काहे टेंशन साहेब, हम जीते तो अच्छा है, हारे तो अच्छा है। तेरे बाप का क्या जाता है, पैसा तो हमारा लगा ना। चल जा स्टूल पकड़ के बैठ। कैसी बात करो तो साहेब, हम आपके सामने कभी बैठ सकता हूँ? हम तो हाथ बांधे एक पांव पे आपके सामने खड़ा रहूंगा। आप कहें तो जरा बाहर हुआ हूं। हाँ जाओ जनता से मिलाओ। नर्वस हो गया है, सिगरेट का कस मारने गया है। हमारे सामने सिगरेट पीने की हिम्मत नहीं है ना। अरे भाई सिगरेट अंदर पी लेते। अरे नहीं भैया, अंदर के साहब है। अच्छा अच्छा। हाँ तो मैं ये कह रहा था जी कि अगर हम इलेक्शन जीत जाते हैं। पहले दौर की गिनती के बाद विजय बहादुर कुंवर उर्फ अमावस अपने निकटतम प्रतिद्वंदी से 500 वोटों से आगे है। विजय बहादुर कुंवर उर्फ अमावस अपने निकटतम प्रतिद्वंदी से 1500 वोटों से आगे है। अमावस शुरुआत तो अच्छी है, 1500 वोटों से आगे भी हो, लेकिन अभी तो हनुमानगंज का वोट बाकी है, विष्णु नगर, वसंत नगर, रामनगर का वोट बाकी है, देखें क्या होता है। विजय बहादुर कुंवर अपने निकटतम प्रतिद्वंदी से 5000 वोटों से आगे है। 5000? 5000 वोटों से आगे। अपने ही बच्चा है ना। बैठिए ना साहब, आ जाएंगे तो। विजय बहादुर कुंवर उर्फ अमावस अपने निकटतम प्रतिद्वंदी से 10000 वोटों से आगे हैं। विजय बहादुर कुंवर उर्फ अमावस अब अपने निकटतम प्रतिद्वंदी से
25,000 वोटों से भागे विजय बहादुर उर्फ अमावस अपने प्रतिद्वंदी से 70,000 वोटों से चुनाव जीत गए हैं। तुमसे कह रहे हैं आ? तुमने हमका बुलाया कमलाकांत? कमलाकांत अच्छा नाम है आपका। तुम होश में तो हो अमावस? अमावस नहीं, सूर्य वंश का पहला ये मेले विजय बहादुर कुंवर। पैर छू रहा है मुझे। परे हटो हा? हम कह रहे हैं परे हटो। बड़ी खुश लग रही है जी। कहीं घूमने चले? कहा? शिमला या ऊटी? चलिए। जम गया है, हटता ही नहीं। हाथ हटा लूं? रहने दीजिए ना। कहती है रहने दीजिए। विजय बहादुर कंवर जिंदाबाद। विजय बहादुर कंवर जिंदाबाद। विजय बहादुर कुंवर जिंदाबाद, ये कहते हुए पीछे आ। विजय बहादुर कुंवर जिंदाबाद। अरे तू रुक क्यों गया? चल चल मेरे साथ चल। तू क्या डरता? मैं हूं ना। तू एक काम कर, यहाँ रुक, मैं भारत जी से मिलकर आता हूँ। भाई लागो माँ जी। अरे कैसे हैं आप? माँ जी नहीं है, पुतला है। चल पुतला है ये? मैं तो समझा था कि हाथ नहीं लगाना। नहीं बैठ जा। अरे बैठ जा, जगह खाली है, बैठ जा। बैठ। ए भैया, शहर में लड़की बहुत खूबसूरत होते हैं। हाँ? बहुत खतरनाक मशीन है। ए, ए, अरे देखो दूसरे जवान लड़की घुस के गई, बुड्ढी होकर बाहर निकले। कैसी मशीन है भैया ये? देखो शहर के अंदर ऐसे मशीन होता है। ए बेटा, दो मिनट बैठ मत यार। अरे विशाल, अभी जवान अंदर गया, बूटा होकर बाहर निकला। अरे विशाल, अरे विशाल तो बूटा हो गया। इसी जब मैं तुमसे कह रहा था कि मशीन के अंदर नहीं जाने का। अरे इसी जब तुमसे कह रहा था नहीं जाने का।
ऐसा तुम्हारा कितना दोस्त है? एक आज काफी है, मर गया। आप बिशन साहब हैं? नहीं नहीं, हम बिशन साहब नहीं है, हम तो किशन है, उनके दोस्त। वो तो पीछे आ रहे हैं अभी, वो हमको गांव से शहर लेकर आया है ताकि हमारे अंदर का कलाकार जो है वो बाहर निकले। वो नीचे की भयानक मशीन है ना, वो ये देखो आ गए। भारत जी, भारत जी अंदर है? जी हाँ, जी हाँ। चलिए चलिए, आप यहाँ रुकेंगे। हाँ, आप साहब का ध्यान रखेंगे, वो टेप रिकॉर्ड देना। हाँ दे दे। आप चुप रहेंगे प्लीज? हम तो कुछ बोल ही नहीं रहे। थैंक यू। हमने कुछ कहा? थैंक यू वेरी मच। क्यों भाई जॉनी, हमने कुछ कहा? हम तो सिर्फ इतना कह रहे हैं कि कितनी खूबसूरत जगह है, कितनी अच्छी जगह है। अरे गणपति महाराज, खूबसूरत पुतला है भाई। अरे फिर किधर गया मेरा बाप? ए, मैं अगर जान आ जाए तो खड़े खड़े शादी कर ले। बाप रे, ये तो जिंदा है। कौन है तुम? अरे, अरे चोर, चोर, अरे पकड़ो, अरे क्या पकड़ो, यहाँ कोई चोर घुसा है। चोर? हाँ उधर देखो। कौन हो तुम? मैं वो हम उसका। यहाँ क्या कर रहे हो? नहीं, बताता वो हम। तुम चोर को जानते हो? वो नहीं नहीं, वो ये मैं क्या कर रहे हो? बताता है कि नहीं बताता है? बोल, बता दे, पुलिस को बुला दे। वो क्या हमारा वो आदमी था, तुम गाना सीखने का तुम्हारे तरह आया तो हम उसको फ्लैट मेरा बटन हम उसको बोला इधर मेन साहब। हम तो गा नहीं रहे, हमारी आवाज कहाँ से आ रही? हमारा बाप गाता था। ये किसकी आवाज है डैडी? मेरे दोस्त किशन की। बेटी सिर्फ जबान में गड़बड़ है, वरना ये आवाज तो सारे मुल्क में तहलका मचा सकती है। इसीलिए तो मैं आपके पास मदद लेने के लिए आया हूँ भरत जी। अगर आप जरा सी मेहनत करें, ट्रेन करें, जरा सा रियाज करें, और अगर रिकॉर्डिंग कंपनी के लिए एक रिकॉर्ड बना देना, मुझे पूरा यकीन है ये पॉप सिंगर बन सकता है। लेकिन आपके दोस्त है कहाँ? बिशन, अरे बिशन, अरे बिशन, हम तो गा नहीं रहे, हमारी आवाज कहाँ से आ रही है? तुम? मैं तुम्हें जरूरी। अरे अरे अरे, आप क्या कर रही हैं? यही तो मेरा दोस्त है किशन। लेकिन आपको नहीं मालूम इसने क्या बदतमीजी की है मेरे साथ? बदतमीजी? हम बताता है, वो नीचे डाउन देयर वो एक बुड्ढी का स्टैचू है ना, ये उसका पांव को हाथ लगाया। हम बोला वो बुड्ढी नहीं है, स्टैचू है। इधर आया तो ये ऐसा ऐसा लगा के बैठा होता, समझा ये भी स्टैचू है। मालूम क्या बोला? बोला इसके अंदर जान पड़ जाएगा ना तो अपन इसका शादी कर लेगा। आओ तुम अपनी बेटी से मिलाओ। कोमल ये है, इधर देखो, अब्दुल गोपाल फर्नांडिस। इन्हें बाथरूम में ले जाकर सोडे से घिस घिस कर नहलाओ। और नहीं। ये क्या हो रहा है अंदर? तो अंदर से अजीब अजीब तरह क्या बातें आ रही हैं? ये देखो, ये क्या हालत बना रखी है तुम लोगों ने? मैम साहब, हम उसको नहलाने लगे थे, उसने हमको नहला दिया। ये क्या किया तुमने? तो यही कौन होते हमको नहलाने वाले? हम खुद नहीं नहा सकते क्या? हमारे गांव में तो गाय भैंस खुद ही पानी में कूद के नहा लेते हैं। अब तुम मुझे सिर्फ इतना बता दो कि तुम नहाओगे कि नहीं, बोलो। नहाएंगे? जरूर नहाएंगे, हम तो दिन में दो वक्त नहाते हैं, कभी कभी तीन वक्त नहाते हैं भाई। गर्मी में चार वक्त नहाते हैं, सर्दी में तीन वक्त नहाते हैं, बरसात में 3.5 वक्त नहाते हैं। मुझे ये बकवास नहीं चाहिए, जाओ जाके नहा के आओ, जाओ।